मैं शिव कांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। अर्जुन कपूर जैसे ही अपनी सौतेली मां श्रीदेवी की मौत की खबर सुनते हैं, पंजाब में चल रही उनकी फिल्म की शूटिंग को वो बीच में छोड़कर वापस मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आते वक्त उनसे पत्रकार कई सवाल पूछते हैं जिनको वो टाल देते हैं, और लाजमी सा भी है इस वक्त पर यह सवाल पूछे जाना ही गलत है। लेकिन खबरें ये आई कि अर्जुन कपूर को जैसे ही श्रीदेवी की मौत की खबर पता चली वो रोने लगे। श्रीदेवी एक महान अदाकारा लेकिन अर्जुन कपूर की सौतेली माँ थी। उनसे उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इनकी मौत की खबर सुनी उनके दर्द भी छलक गया। दर्द इस बात का भी, अर्जुन कपूर ने जब अपना फिल्मी डेब्यू किया था उससे पहले उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, और यही जाह्नवी के साथ भी हुआ। जाह्नवी जल्द डेब्यू करने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। एक श्राप कपूर फैमिली पर चला रहा है जो अर्जुन ने भी झेला, अब जाह्नवी भी झेल रही हैं। और इस खबर को सुनते ही अर्जुन का टूट जाना ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो कभी बोल ना पाया, एक ऐसा रिश्ता जो कभी बन ना पाया, लेकिन एक रिश्ता था जो एक दूसरे को जोड़े हुए था। श्रीदेवी एक महान कलाकार, महान अदाकारा, महान नृत्यांगना अब हमारे बीच में नहीं है। अर्जुन कपूर का ये वीडियो, जब वो आए थे मीडिया से बात नहीं की, सीधा चले गए। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही।